हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक केमिकल कंपनी बताऊंगा। आप लोग इस कंपनी में पहले से पैसे लगा के रखें तो भैया एक भी शेयर सेल मत कीजिएगा। बड़ा पैसा बनाना है तो शेयर को खरीद के भूल जाइए। जब तक आप भूलिएगा नहीं, बड़ा पैसा नहीं बनेगा। आप अगर डरिएगा तो बड़ा पैसा कभी नहीं बना पाइएगा। मार्केट में उठा पटक होते रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। 50 साल पहले भी मार्केट गिरता था। आप अगर 50 साल बाद भी लगाओगे पैसे तो उस समय भी मार्केट गिरेगा। आप अगर कोई स्टॉक 52 वीक लो के पास खरीदते हो तो उसमें भी करेक्शन होगा। और हमारा मकसद है बड़ा पैसा बनाना। आप 10% 20% 30% रिटर्न बनाने नहीं आए हैं इस मार्केट से। आपको अगर 10-20% रिटर्न चाहिए या फिर आपको पैसा ही डबल करना है तो भैया प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। यहाँ पे पैसे मत लगाइए। ये मार्केट है, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। नेगेटिव खबरें ये सब आता रहेगा, उसके वजह से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। रशिया वाले आपको फोन करके नहीं बताएंगे कि मैं यूक्रेन पे हमला कर रहा हूँ, आप बेच दो। कोरोना आपको बता के नहीं आएगा तो भैया कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होने वाला है। इतना आसानी से आप पैसे नहीं बना लेंगे। आप लोग ये तो सुने हैं कि इंफोसिस में किसी ने 10 हजार रुपए लगाया था, आज के डेट में करोड़ों रुपया बन रहा है और डिविडेंड भी अच्छा खासा मिल रहा है। लेकिन क्या आप करोड़ों रुपया रातों रात बनाए? 25-30 साल लगे है ना। तो क्या आप लोग ये नहीं पढ़ते? इस पे आप लोग का ध्यान नहीं जाता है? क्या इन्फोसिस हर साल पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है? परेशान किया ही नहीं है? 25% 50% का 75% करेक्शन हुआ ही नहीं है? जाके आप चार्ट देख लीजिए, कई बार करेक्शन हुआ है। कोई अगर लार्ज कैप कंपनी बना है तो क्या 2 साल में लार्ज कैप कंपनी बन गया? 25-30 साल लगे हैं तो क्या 25-30 साल हो गया? भैया आज से 25 साल पहले 30 साल पहले भी नेगेटिव खबरें आती थी, मार्केट गिरता था, आज भी गिरता है और आगे भी गिरेगा। आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है तो 10-15 सालों के लिए 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आप एक छोटी सी नौकरी करने के लिए 12-15 साल पढ़ाई करते हो तो कम से कम 12-15 साल के इन्वेस्टमेंट तो कीजिए। जितने साल आप पढ़ाई किए ना उतने साल आप इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। हम तो भैया आप लोग खुल के बताते रहते हैं कि मार्केट कैसे चलता है, छोटी कंपनी आपको किस तरह से रिटर्न बना के देगा, कितना परेशान करेगा, ये सब मैं आप लोग को बताते रहता हूँ। हमने कभी भी नहीं बोला है, किसी भी वीडियो में नहीं बोला है कि आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए। और कभी मेरा छोटा टारगेट भी नहीं रहा है किसी भी कंपनी में। हम यहाँ पे सिर्फ पैसा डबल करने थोड़ी ना आए हैं। आपके पास अगर 5 लाख रुपए आपका पैसा अगर डबल ही हो गया, 5 लाख का 10 ही लाख हो गया, क्या हो जाएगा? कुछ होगा क्या? 10 लाख की क्या वैल्यू आज के रेट में? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप 5-10 लाख रुपए लगा के करोड़ रुपया बनाइए और ये करोड़ रुपया बनाने के लिए कम से कम आपको 10-15 साल देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट करके। मार्केट आपको इतना परेशान कर देगा, इतना परेशान कर देगा कि आप बेच के निकल लोगे। आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो भैया ये जो कंपनी है उसका नाम है यशो इंडस्ट्री। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है और मल्टी बैगर स्टॉक है। हमें पता है कि कई लोग परेशान होकर बेच दिए होंगे, कई लोग का 1 साल समय बर्बाद हो चुका है यशो इंडस्ट्री में। तो देखो भैया, हम इस स्टॉक को 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं किए हैं, कम से कम 10-15 सालों के रिकमेंड किए हैं। 10-15 सालों में ये कंपनी पक्का लार्ज कैप कंपनी बन जाएंगी। और अगर आपको और भी बड़ा पैसा बनाना है तो छोड़ दीजिए, ये कंपनी आपको जिंदगी भर रिटर्न बना के दे सकता है। इस चीज को आप लोग मत भूलिए कि जो लोग इन्फोसिस में पैसे बना रहे हैं, टीसीएस से पैसे बना रहे हैं, बजाज फाइनेंस से पैसे बना रहे हैं या फिर किसी और भी कंपनी पैसे बना रहे हैं और उनको अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है तो भैया वो रातों रात नहीं मिल रहा है, वो खरीद के भूले हैं तभी जाके उनका पैसा बन रहा है। लेकिन जब वो खरीदे होंगे तो भी परेशान होंगे, जिस समय उनको पैसे चाहिए होगा उस समय उनको पैसा नहीं मिला होगा। वो जवानी ये पैसे लगाए होंगे तो उनको बुढ़ापे में रिटर्न मिल रहा होगा। जो सच है वो सच है। यशो इंडस्ट्री पे मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को मैं वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, किस प्राइस से वीडियो बनाया था आप लोग को वीडियो प्ले करके भी दिखाना चाहूंगा। तो ये वीडियो मैं 187 रुपए के प्राइस से बनाया था 24 जनवरी 2021 को। अब आप लोग एक बात बताइए, इस कंपनी में पैसा किनका बन रहा है और आगे भी पैसा किनका बनेगा? जाहिर सी बात है जो खरीद के भूलेंगे वो लोग तो पैसे नहीं बना पाएंगे, जिनका समय बर्बाद हो गया है 1 साल या 6 महीना या फिर और भी कई महीनों तक, कई सालों तक स्टॉक नहीं चलेगा। तो जो लोग ये सोचेंगे कि मेरा यशो इंडस्ट्री में समय बर्बाद हो गया या फिर L&T इन्फोटेक में समय बर्बाद हो गया, CDSL में समय बर्बाद हो गया, वो पैसे कैसे बना पाएंगे? पॉसिबल है? हम बड़ा पैसा बनाने की बात कर रहे हैं भाई, हम 10% 20% रिटर्न बनाने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और आप लोग इस मार्केट में 10% 20% या पैसा डबल ट्रिपल करने के लिए बिल्कुल ही मत आइए, बिल्कुल ही मत आइए। आप पैसे डबल करने के चक्कर में पहले आप लॉस कीजिएगा, क्योंकि मार्केट तो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे।
नेगेटिव खबरें तो आता रहता है, किसी न किसी वजह से मार्केट गिरता रहता है। आपको तो बता के मार्केट गिरेगा नहीं, येसो नेस्टी आपको बता के तो गिरेगा नहीं। चार्ट पे अगर सिग्नल सेल का भी दिखेगा तो आप ऊपर के प्राइस में खरीदे रहेंगे, तो फिर आप बेचेंगे कैसे? तो जाहिर सी बात है आप लॉस बुक करके निकलेंगे, और फिर कुछ दिन बाद या फिर 2-3 साल बाद स्टॉक 5 गुना 10 गुना हो जाएगा, तो फिर क्या फायदा भाई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि आपके हिसाब से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और ऐसा तो नहीं है भाई कि अगर मार्केट गिर रहा है या कोविड आ गया तो इस कंपनी का धंधा बंद हो गया, कंपनी खत्म हो गई। कोविड आपको पता है ना कुछ नहीं हुआ, किसी भी कंपनी को कुछ नहीं हुआ। जो कंपनी चल रहा था पहले वो फिर से लाइफ टाइम हाई लगा दिया। एप्पल इंडिया में 70% करेक्शन हुआ था, उसके बाद स्टॉक 6-7 गुना हुआ। डिक्सन में भी 40-50% करेक्शन हुआ था, उसके बाद क्या हुआ 10-12 गुना हुआ। और ये सब मल्टीवाय स्टॉक थे, तो जो लोग 25-50 रुपए लगा के छोड़ दिए थे, मल्टीवाय स्टॉक के तौर पे जगह दिए थे, वो पैसे बना रहे हैं। कंपनी में कोई दिक्कत होती है तभी जाके आप सेल कीजिए, मार्केट गिरने की वजह सेल करने कोई मतलब ही नहीं है, इसे मैं बेवकूफी बोलूंगा। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं अभी बेच देता हूं, अभी मुझे डर लग रहा है मार्केट जब नीचे आएगा तो मैं खरीद लूंगा और भी नीचे के प्राइस में खरीद लूंगा। अच्छी बात है भाई, कितने लोग कोविड-19 में खरीद पाए थे वो मुझे भी पता है। जो लोग बजाज फाइनेंस को 500 में खरीदना चाहते थे वो लोग 3-4 रुपए में खरीदे होंगे, वो भी नहीं खरीदे होंगे। जो लोग निफ्टी 4000 आने का इंतजार कर रहे थे, जब निफ्टी 12000 का हुआ होगा तब जाके पैसे लगाए होंगे। पर जो खरीद के भूल गए थे वो पैसे बना लिए, उनको पता भी चल गया कि हाँ जी कुछ नहीं होता है, ये सब चीज बकवास है, हम अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते तो पैसे बना के निकलेंगे। पिछले 1 सालों से मार्केट वहीं पे है, तो कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इससे ज्यादा मुझे एफडी में रिटर्न मिलता, तो कई लोग बेच के निकलेंगे भी। और जैसे ही आप बेच के निकलिएगा मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भाग जाएगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, देखो भैया यूएस मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो जिस दिन यूएस मार्केट रिकवर होगा, एप्पल अमेजोन टेस्ला का शेयर लाइफ टाइम हाई लगाएगा, आज लगाए या 2 साल बाद लगाए, तो फिर आप बहुत पछताने वाले हो। क्योंकि जब यूएस मार्केट चलेगा तो यहाँ की जो कंपनी है वो भी तो चलेगा ना, वो चल नहीं है। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कॉन्टेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। और अभी इस कंपनी का क्या प्राइस चल रहा है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। अभी इस कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो 1528 रुपया, और लाइफ टाइम आई है 2099 रुपया। तो भैया 500-600 रुपया का करेक्शन हो चुका है। अब आप एक बात बताइए, इस कंपनी में पैसे कौन बना रहे हैं? जो लोग 187 में खरीदे या 200 में खरीदे, 300 रुपए में खरीदे, 20% 10% 25% 30% 50% प्रॉफिट लेके निकल गए, क्या वो पैसे बना रहे हैं? पैसे तो वही बना रहे हैं ना जो खरीद के भूल गए, और आगे भी ये स्टॉक चलेगा। पर जो 10% 20% लेके निकल गए वो दिन भर यही करते रह जाएंगे, उनसे बड़ा पैसा कहीं बन ही नहीं पाएगा। पर जो खरीद के भूल गए, कंपनी अगर अच्छी निकल गई, लार्ज कैप कंपनी बन गई, तो पैसे बन गए आपके। मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हो 1700 करोड़ का ही मार्केट कैप है, अभी माइक्रो कैप कंपनी है। और मैं जब फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था तो 500 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं था, उस समय तो इस कंपनी का वेबसाइट खुल भी नहीं रहा था। इस कंपनी में अगर आप लोग 50,000 रुपए लगाते हो तो 20-25 सालों में आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट जो मैं रखा हूँ वो 50,000 रुपए रखा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 60% रखा हूँ, क्योंकि अभी बहुत छोटी कंपनी है। कई लोग बोलेंगे कि 60% बना के नहीं देगा, तो भैया मैं जब वीडियो बना रहा था 200 रुपए के प्राइस पे, 300 रुपए के प्राइस पे, 400 रुपए के प्राइस पे, तो आप लोग उस समय भी यही कमेंट कर रहे थे कि 60% बना के नहीं देगा, 60% बना के नहीं देगा। लेकिन मैं उस समय भी खुल के बोल रहा था कि 60% बना के देगा, और अभी भी ये कंपनी 45-60% के बीच में रिटर्न बना के देगा। टाइम पीरियड में रखा हूं 25 ईयर्स, और आप यहाँ पे रिटर्न देख लो भाई 633 करोड़। अब ये 633 करोड़ रातों रात तो बनने वाला नहीं है, 25 साल लगेंगे। और जिनको भी यकीन नहीं है कि 633 करोड़ बनेगा, तो भैया आप एक कौड़ी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? 82 लाख रुपए सेव कर लीजिए, क्या दिक्कत है? आपको जितना यकीन होता है आप उतना ही रखिए, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट तो कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ खरीद के भूलिए तो, क्योंकि पैसा तो खरीद के भूलने पे बनने वाला है। करेक्शन ये सब तो होता रहेगा, 10% का अपर सर्किट लोअर सर्किट ये सब चलता रहेगा, छोटी कंपनी में ये सब चलता रहेगा। आप जब तक खरीद के भूलिएगा नहीं पैसा नहीं बनेगा, छोटी कंपनी इसी तरह से चलते हैं। और ये सब चीज मैं आपको बताते भी रहता हूँ कि छोटी कंपनी कैसे चलेगा, सिक्को कैसे चलेगा, प्रीति कैसे चलेगा, यसो कैसे चलेगा, ये सब मैं आपको बताते रहता हूँ। और छोटी कंपनी में
मैं 60% ही रखता हूँ, ये भी आप लोग को पता है, क्योंकि मुझे पता है ये कंपनी अगर रिटर्न बना के देगा तो 60% ही देगा, नहीं तो फिर बिल्कुल भी रिटर्न बना के नहीं देगा, पैसा आपका डूब जाएगा, आप जो 50 इन्वेस्टमेंट किए वो आपका डूब जाएगा, लेकिन रिटर्न बना के देगा तो 60% ही बना के देगा। सिक्को, मध्य भारत एग्रो, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड, प्रीति, ये सब 60% रिटर्न बना के देगा, इससे कम तो आपको रखना ही नहीं चाहिए। और पहले आपको ये सब नहीं सोचना है कि 60% बना के देगा कि 50% बना के देगा, आपको बैलेंस शीट देखना है और छोटा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है। तो आप लोग यस में पैसे लगाइए और आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो शांति से बैठे रहिए, कोरोना ये सब आता है आने दीजिए, टेंशन फ्री रहिए। लोग आपको डराएंगे, आप डर के बेचिएगा, क्योंकि लोगों को व्यू चाहिए कि कोरोना आएगा तो ये होगा वो होगा, और आप लोग देखना भी चाहते हैं तो लोग तो बनाएंगे वीडियो ना, उनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे, हम तो नहीं बना सकते क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो अगर मैं खुद ही डर जाऊंगा, डर के वीडियो बनाऊंगा, तो फिर तो हो गया भाई। सभी लोग मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे, उनको इंटरडे टिप्स फ्री में दिया जाएगा। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल नहीं पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। धन्यवाद।